हेलो गाइस, अभी मैं ठहरा हूँ ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में और आज मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऑस्ट्रिया इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों बेस्ट है मास्टर्स या बैचलर करने के लिए। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में मशहूर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होती है। और दूसरी बात, यहाँ की जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ की। अगर हम बात करें यूके की तो उसकी फ़ीस के मुकाबले में 10 गुना कम फीस है, 10 टाइम्स इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, उससे बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल है। और ऑस्ट्रिया का शहर आपको पता है कि वियना मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन द वर्ल्ड है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट, मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल भी होमसिकनेस नहीं होती। अब बात करते हैं ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ की। सबसे पहले ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी एजुकेशन होती है वो सारी रिसर्च बेस्ड होती है, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे होते हो तो उसको डायरेक्ट आप इंडस्ट्रीज़ में आप यूज़ करते हो और ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ की आपको अरेंज करके देती हैं। दूसरी बात, अगर फ़ीस की कर ली जाए तो फ़ीस इसकी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम फीस होती है, और इवन आपकी फ़ीस ख़त्म भी हो जाती है अगर आप उसको स्पेशल फ़ी वेवियर आप फॉर्म फिल करते हो और बताते हैं कि मैं फ़ीस को पे करने के काबिल नहीं। एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जब तक आप यहाँ पे पढ़ते हो, आपके कोई चार्जेस नहीं होते, आपका एटीएम वगैरह सारा कुछ फ्री होता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिया की ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेस्ट ट्रांसपोर्ट कंसिडर की जाती है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे तक ट्रांसपोर्ट चलती है। 12 बजे तक यहाँ पर नॉर्मल बसेस चलती हैं, उसके बाद यहाँ पर नाइट बसेस चलती हैं। और दूसरी बात, ऑस्ट्रिया यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है तो ये बिल्कुल सेफेस्ट कंट्री है ट्रैवल करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह के मामला नहीं होते, ना अभी तक हुए ना इन फ्यूचर होंगे होपफुली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आप ऐसे स्टूडेंट आते हैं तो आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, और जॉब मतलब कि अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती, आपको किसी रेस्टोरेंट में, किसी लैब में या किसी भी और इंडस्ट्री में आपको इजीली जॉब मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बंदा यहाँ पे इंग्लिश समझता है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट दैट बैरियर एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे वाकई ही लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। और टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेंडली कंट्री है, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग कंट्री है, सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी यहाँ पे आता है तो उनको ये अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अगर अर्निंग की बात करें तो मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पे वो 1050 कर दी गई है पार्ट टाइम जॉब के लिए, इससे ज़्यादा कम आपको कोई नहीं पे करता। दूसरी बात करें, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो सबका दिल करता है कि हम घूमें, हम ट्रैवल करें, तो वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से डेली काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट चलती हैं, इसलिए यहाँ की फ्लाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक है। आपको 20-30 यूरोज़ में ऑल ओवर दी यूरोप आप ट्रैवल कर सकते हैं विद इन अ रिटर्न टिकट, रिटर्न टिकट भी आपकी उसके साथ ही होती है। अब हम बात करते हैं यूरोप में अगर आप अच्छे फूड की तलाश में, अगर किसी भी दूसरी कंट्री से आते हैं, आप मोस्टली साउथ एशियन कंट्री से, पाकिस्तान से आते हैं, आप इंडिया से आते हैं, तो आपको ये होता है कि मुझे वैसा ही खाना चाहिए, वैसा ही टेस्ट वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टोर्स हैं, पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, जहाँ पे आपको खाना इजीली मिल जाता है, पक्का पकाया खाना भी मिल जाता है और दूसरे आपको फूड वगैरह भी मिल जाते हैं। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी ब्रूनो मार्केट की, जहाँ पे मोस्टली 99% चीज़ें सारी हलाल थी, मे बी 0.1% की ऐसी शॉप आ जाए जो हलाल सर्टिफाइड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हलाल फूड इजीली मिल जाता है। दूसरी बात करें प्राइसेस की, तो स्टेबिलिटी बहुत है ऑस्ट्रिया में, चीज़ों की स्टेबिलिटी बहुत है। मुझे यहाँ पे 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, और मैंने अभी तक नहीं देखा कि चीज़ों की प्राइस 0.1% भी बढ़ी हो, तो इकोनॉमिकली भी बहुत स्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है ये।